हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम्स वेव। हम आपके पास लेके आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 10, 20, 30 अलग अलग सीरीज, अलग अलग हमारी वीडियोस होगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जीके के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। खिलाफत मूवमेंट 1920 के खिलाफत आंदोलन को एक अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था। कौन सी कंट्री आएगी इसमें? पहला हमारा तुर्की, मीन्स टर्की भी बोल सकते हैं, अमेरिका, चाइना एंड ग्रीस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा तुर्की, और हम बोल सकते हैं टर्की। ओके, क्या आंसर होगा करेक्ट? तुर्की। खिलाफत मूवमेंट, हम जानते हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये मुसलमानों का मूवमेंट, और हम इसको किस के नाम से जानते हैं? मुस्लिम मूवमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर याद रखना, तुर्की। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन गवर्नर था? चार ऑप्शन है, इनमें से कौन गवर्नर था? सुल्तान जलालुद्दीन, गियासुद्दीन तुगलक, उलुग खान एंड कुटलुग। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों कौन सा? गियासुद्दीन तुगलक। कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा? गियासुद्दीन तुगलक। ये हमारा क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक। ओके, अलाउद्दीन खिलजी जानते हो इसके बारे में? ओके, ये दिल्ली के सुल्तान थे। कौन थे ये? दिल्ली के सुल्तान। तो हमारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में गवर्नर कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स वंश, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह, खिजर खान एंड निजामी। ये चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? इनमें से हमारा आएगा खिजर खान। क्या करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? खिजर खान। ये खिजर खान कौन है हमारे? ये हमारे सैयद वंश की स्थापना करने वाले कौन है? खिजर खान, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ पर है ये? आपको पता है ये माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये हमारा आइलैंड है माजुली। तो ये कहां पर है बच्चों? बिहार, उड़ीसा, मेघालय एंड आसाम। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? माजुली। माजुली से आप क्या याद रखोगे? माजुली हमारा किससे रिलेटेड है? माजुली जब हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट करेंगे? आसाम। क्या करेंगे हम? आसाम। आसाम हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन हिमाचल प्रदेश इज ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपको पता है हिमाचल प्रदेश, ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। फेमस कौन सा है? सब जानते हैं, आप भी घूमते होंगे शायद हिमाचल में। तो याद रखना, जब भी हिमाचल प्रदेश जा रहे हो तो कौन सी जगह पर जाना नहीं भूलोगे? कौन सी जगह पर जाना नहीं भूलोगे? जब भी हम हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं तो रोहतांग पास। ओके, इसको देखना ना भूलना, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ओके, पूरा बर्फ से ढका हुआ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? ये हमारा रोहतास पास, और आप क्या बोल सकते हो? रोहतांग दर्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ए सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन ए इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में प्राइस बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? रिसेशन, इन्फ्लेशन, एफिशिएंट प्रॉफिट। प्राइस बढ़ जाना, बैलून होता है, बैलून को हम क्या करते हैं? इन्फ्लेट करते हैं, हवा भरते हैं बैलून में। तो इंक्रीज हो जाना, अर्थव्यवस्था में प्राइस इंक्रीज होना हमारा क्या कहलाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाना, ये हमारा होता है इन्फ्लेशन। क्या होता है? इन्फ्लेशन, याद रहेगा।
सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस, प्राइस बढ़ जाना मीन्स हमारा इन्फ्लेशन, ओके मुद्रा स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन देखिए, सेवन क्वेश्चन है द मलिमत कमेटी रिपोर्ट डील्स विद, मलिमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है। ये हमारे ऑप्शन है 4, एनवायरमेंट जस्टिस, इनजस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस एंड पोएटिक जस्टिस। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, मलिमत समिति, तो ये हमारे कौन सा आएगा, एनवायरमेंट जस्टिस, इनजस्टिस, नहीं, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा किससे, क्रिमिनल, आपराधिक न्याय, किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल। तो क्या आंसर करेक्ट आएगा बच्चों, क्रिमिनल जस्टिस, ये हमारा करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु अटैक एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD, 1026 AD में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर मीन्स भगवान शिव का मंदिर जो कहाँ है, गुजरात में, इसको किसने लूटा था, गाजी सैयद, सालर साहू, साहू बिन और हमारा मोहम्मद गजनबी। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, जानता हूं इसका आंसर आप ही दोगे, ओके कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जो भी करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दोगे, ओके बच्चों ध्यान से देखना कि सोमनाथ हमारा जो टेंपल है उसको किसने लूटा था, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन मार्च 2019 हु वाज स्वोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, 2019 में गोवा के नए चीफ मिनिस्टर कौन थे, हमें पता मनोहर पारेकर, मनोहर पारेकर की मृत्यु के बाद गोवा के जो नए चीफ मिनिस्टर चुने गए थे वो कौन थे, प्रमोद सावंत, नवीन पटनायक, अमरिंदर सिंह एंड पेमा खांडू। तो क्या आंसर आएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रमोद सावंत। ये जो प्रमोद सावंत थे 2019 में मनोहर पारेकर की मृत्यु के बाद इनको क्या किया गया था, चीफ मिनिस्टर चुना गया था, ओके याद रहेगा ये प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज व्हाइल डिफेंडिंग द गरहा कटंग इन 1564, 1564 में गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए कौन सी रानी है जिनकी मृत्यु हो गई थी, नूरजहां हमारा क्या है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड हमारा रानी दुर्गावती, थर्ड है महूम एंड फोर्थ ऑप्शन है मासूमा सुल्तान। तो इनमें से आप जानते हो नूरजहां कौन थी, ये सबसे सुंदर महिला थी, ओके सबसे सुंदर महिला बोलते हैं नूर जहां को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नूर जहां, नो हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सी रानी मर गई थी, रानी दुर्गावती, ये जो रानी दुर्गावती है ये हमारे मर गई थी, ओके। अगेन हम नई वीडियो के साथ आएंगे, ओके आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको लर्न हो चुके हैं, ओके ध्यान से सुनना, थैंक यू, बाय।